की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उमरिया में हाथियों की मौत के बाद एक्शन में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वन विभाग की बैठक ली है मुख्यमंत्री ने। रिव्यू बैठक के बाद दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह निनामा निलंबित कर दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक भी निलंबित कर दिए गए हैं। वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय संचालक गौरव चौधरी को भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि छुट्टी के बाद वापस ही नहीं लौटे थे गौरव चौधरी और फोन बंद कर अधिकारियों के निर्देश की अवहेलना की है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंशन की कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन संरक्षक और क्षेत्रीय संचालक गौरव चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल छुट्टी के बाद वापस ही नहीं लौटे थे गौरव चौधरी, फोन भी बंद कर लिया था, अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे और इसी को लेकर दो अधिकारियों को सस्पेंड किया है। सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह निनामा निलंबित किए गए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें लापरवाही जो है वो साबित हुई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल विवाह जुड़ रहे हैं। शिखिल, हाथियों की मौत मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, गाज गिरी है, दो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, बताइए मीटिंग में क्या हलचल रही, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जाएगा क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ साथ हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। ना सिर्फ दो अधिकारियों को लापरवाही के चलते निलंबन की गाज यहां पर गिराई गई है, वहीं दूसरी ओर बड़े स्तर पर हाथियों के संरक्षण संबंधित के लिए जो निर्णय है वो लिए गए हैं। अंदर की अगर हम खबर की बातचीत करते हैं तो इस बैठक से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में सरकार टाइगर की तर्ज पर यानी बाघों की तर्ज पर जो हाथियों का संरक्षण है वो करेगी, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो पहले हाथी आते थे छत्तीसगढ़ से आते थे और छत्तीसगढ़ से आने के बाद एक नित्य समय पर वो अपने मध्य प्रदेश के जंगलों में, क्योंकि उमरिया जो क्षेत्र बहुत सारे जो जंगल है जो कि लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से और इसी के चलते कहीं ना कहीं वो आते थे और आने के बाद कुछ समय बाद वो चले जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगल जो है वो हाथियों को रास आ रहे हैं और स्थायी रूप से अब उन्होंने अपना ठिकाना मध्य प्रदेश के जंगलों को बनाना शुरू कर दिया गया है, जिसमें बांधवगढ़ की बातचीत करते हैं और कान्हा की बातचीत यहां पर की जाए। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर। बहुत शुक्रिया शिखिल आपका इसे हम जानकारी करें। उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर या फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से ना आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई, इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानकारी दे रहे थे इस कैबिनेट बैठक इस महत्वपूर्ण बैठक की और हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, ये जो कार्रवाई की गई है ये क्या आने वाले समय में नजीर बन पाएगी, क्योंकि इस ये जो गंभीर तरीके से अवहेलना की गई, फोन भी बंद कर लिया गया, छुट्टी से वापस नहीं लौटे, क्या वन्यजीव हैं इनकी कोई कीमत नहीं थी, क्या इनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है इनके प्रति?
देखिए कार्यवाही जरूर की गई है और कार्यवाही की गाज आगे और भी कई अधिकारियों पर गिर सकती है, क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसमें दो अधिकारियों पर जो है वो गाज गिरी हुई है। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर एक सख्त कार्यवाही करते हुए संदेश दिया है कि वन्य प्राणियों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोताही अगर बरती जाती है तो जो मध्य प्रदेश के ऊपर जो तमगा फिलहाल हासिल है, जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, लेपर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं, भेड़िया स्टेट के नाम से जाना जाता है, और वहां अगर एक कोई जीव यानी कि वन्य प्राणी हाथी जो स्थायी तौर पर अपने मध्य प्रदेश के जंगलों को अपना रहा है तो उनके प्रति लापरवाही का नतीजा कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्णयों की यहां पर बातचीत जो हो रही थी वो भी लिए गए हैं। यहां अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में टाइगर की तर्ज पर ही हाथी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा जो है जो अभी मध्य प्रदेश में देखा गया है कि जो बाघों के संरक्षण को लेकर जो टाइगर एक बफर जोन बनाया जाता था, कोर एरिया बनाया जाता था, वैसा ही अब एलिफेंट जो कोर जोन है, बफर जोन है, उनको भी बनाया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि मुआवजे की जो राशि जिस प्रकार से हाथियों से मौत के कारण अभी होती है तो 8 लाख रुपए तक का मुआवजा होता है, लेकिन इसे कई गुना बढ़ा दिया गया। अब प्रति व्यक्ति अगर जनहानि हो रही है हाथियों के द्वारा तो उसको 25 लाख रुपए कर दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि इसको अगर हम देखते हैं तो टाइगर के ही तर्ज पर यहाँ पर जो हाथी मित्र हैं उनको बनाया जाएगा। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों के आसपास हाथियों का विचरण स्थायी रूप से है वहां किसानों के लिए सरकार स्वयं जो सोलर फेंसिंग है उसको लगाएगी। सोलर फेंसिंग एक ऐसा माध्यम है जो कि जो अपने हाथी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे दूर यहाँ पर हो जाते हैं, इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। तो जो एक संघर्ष की घटना फिलहाल हमको अभी दिखाई दी जहाँ पर एक हाथी ने जो है अपने ही दल से अलग होकर, और ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि वो हाथी जो है एक संवेदनशील एक वन्य प्राणी है, और कहीं ना कहीं उसको ये भी यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि ये अपनी हाथियों की जो मौत जिस प्रकार से हुई उससे दुखी था और उसी के चलते उसने कहीं ना कहीं हमला किया। तो उसे देखते हुए भी सोलर पैनल जो बनाने की कवायद है उसको की जाएगी। और इतना ही नहीं मध्य प्रदेश सरकार अब दक्षिण भारत के कर्नाटक की बातचीत की जाए, केरला की बातचीत की जाए, और इसके अलावा जो असम मेघालय यानी जहां हाथियों बाहुल्य राज्य है वहां से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को भी अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है क्योंकि ये एक नया टास्क मध्य प्रदेश को मिला है, और यह नया टास्क यह है कि आखिर किस प्रकार से हाथियों का संरक्षण किया जाए, और इसी को लेते हुए अब नई रूपरेखा के तहत मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया शिखिल आपका इस अहम जानकारी के लिए।